नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इसमें हम मैथ्स की सॉल्व पेपर लगाएंगे। जो आपकी बात की जाए तो पुलिस का एग्ज़ाम जो कि 8 जनवरी को होना है, और गणित में हम टोटल बात की जाए तो 30 नंबर का, हम मान के चलेंगे कि 30 नंबर का जो है वो पूछा जाएगा। क्योंकि टोटल जो है वो आप देखोगे तो 65 तक जो है वो रीजनिंग और मैथ्स देखने को मिलता है। मतलब ऑलमोस्ट जो है 70%, 65 to 70% अगर हम मान के चले तो मैथ्स रीजनिंग रहता है। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 नंबर का जो रहेगा आपका वो मैथ्स रहेगा। ठीक है, तो मैथ्स मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी और आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। ओके, विद सॉल्व। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए प्लस बी का 20% बराबर बी का 50% है तो 2a - b अपॉन 2a + b का मान हमें पूछा गया है कि कितना होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है, ए प्लस बी का मतलब 20%, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ बराबर बी इंटू 50%, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आप देखोगे ये कट जाएगा और यहाँ से ये जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए प्लस बी अपॉन बी, ठीक है, मैं बी को नीचे इस तरह लाऊंगा और इधर जो है वो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को इधर ले जाऊंगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि ए प्लस बी की वैल्यू हमें 5 दी हुई है और बी की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। जब हमें पता है कि बी की वैल्यू 2 है और ए प्लस बी हमें जो है वो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि बी की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हम आसानी से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी 2a - b अपॉन 2a + b। ठीक है, तो यहाँ से 2 × 3 - 2 अपॉन 2 × 3 + 2, तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 6, 6 में से -2 जाएगा तो ये 4 बचेगा और नीचे आ जाएगा 6 और 2 8, यानी आप देखोगे 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, यानी ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ए का वेतन बी के वेतन का कितना दिया हुआ है हमें, 40% दिया हुआ है, और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यह पूछा गया है। ए, बी और सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये वाली जो बी का वेतन और सी का वेतन कंपेरिजन कर लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो ए का वेतन जो है वो बी के वेतन से कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि जो सी का वेतन है वो 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% अधिक है, यानी हमने सी का वेतन 100 माना है तो बी का वेतन कितना हो जाएगा, 125, क्योंकि 25% जो है वो अधिक दिया हुआ है। अब हम ए का भी निकाल सकते हैं। देखिए, ए का बोला गया है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। अगर हम 125 का 40% हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 × 125, 25 × 100, और यहाँ से 10 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ए का वेतन 50, बी का वेतन 125 और सी का वेतन जो है वो 100 आ गया। अब हमें कंपैरिजन जो करना है वो किसका करना है, सी का ए का वेतन। ठीक है, तो सी का वेतन जो है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो आपने देखा कि सी का वेतन हमें जो है वो 100 है और ए का वेतन जो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। तो आप देखोगे दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 का आ रहा है, यानी ये 50 का डिफरेंस है। किसके कंपैरिजन करना है, ए के, तो ए इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है। तो यहाँ से आप देखोगे 100% जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो आप वैसे भी समझ सकते हो, देखिए ये 100 है, ये 50 है, तो सीधा सीधा आप देखोगे कि सी का वेतन जो है वो ए का वेतन से जो है सीधा सीधा 100% है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 100%, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा 100% बी ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं और प्रत्येक का अधिकतम अंक जो दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है। आगे बोला गया है कि एक
छात्र विषय पहले विषय में 60%, दूसरे विषय में 80% और कुल जो है उसे टोटल जो है 300 का बात की जाए तो 70% प्राप्त होता है। तो तीसरे विषय में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए ये पूछा गया है। देखिए टोटल हमें पता है कि टोटल अगर मैं तीनों सब्जेक्ट के मार्क जोड़ूं नंबर जोड़ूं तो वो 300 हो रहे हैं क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का है। अब एक विषय है उसमें 60% अंक प्राप्त किए मतलब 100 में से जो है वो 60 अंक प्राप्त किए हैं। उसी तरीके से आप देखोगे दूसरे विषय में जो है वो 80 अंक प्राप्त किए हैं मतलब जो है वो 80% कहा गया है तो 100 का पेपर है तो 80 हो जाएगा। और हमें सी का जो है वो ये पता नहीं है ये हमें निकालना है। टोटल हमें कहा गया है कि टोटल जो है वो परसेंटेज देखा जाए इसका तो वो कितना कहा गया है कि 70% जो है वो इसने अंक प्राप्त किए। अब देखिए टोटल जब भी आप खुद के मार्क्स हैं जैसे आपके पास आपने एग्जाम दिए हुए हैं 10th 12th के और आप देखते हो वहाँ पे जोड़ते हो कि आपका इतना परसेंट आया हुआ है तो नॉर्मली आप क्या करते हो आपके मान लो विषय में ए विषय में आपके 60 मार्क्स आए हैं, दूसरे में क्या है 80 आए हैं और तीसरे में मान लो एक्स आए हैं। ठीक है ये हमने मान लिया एक्स आए हैं, इनको आप क्या करोगे टोटल जो पूर्णांक रहता है उसका डिवीजन करते हो। यानी यहाँ पर आप देखोगे ये 300 का है तो 300 और फिर क्या करोगे इंटू 100 करोगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। जो परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर ये दिया हुआ है 70%। ठीक है तो 70% कर दिया मैंने तो यहाँ से आप देखोगे हम आसानी से निकाल पाएंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 140 + x / 3 = 70। तो 3 को मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 210। 210 हो गया तो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं x = 210 - 140 यानी आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से हमने देखा कि जो सी विषय है इसके मार्क्स जो है वो 70 के बराबर है। आप इसे ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते थे अगर आपको ये मेथड सॉल्व नहीं करना था तो आप ऑप्शन से देखिए ऑप्शन से कैसे आपको पता है कि पहले जो है वो ये पहले विषय में 60 दूसरे में 80 है तीसरे में मैंने मान लिया कि मैं डी ऑप्शन रख देता हूँ आंसर हमें पता पड़ गया है तो 70 मान लिया मैंने। ठीक है अपॉन 300 करूंगा तो ये जो परसेंटेज आएगी इसकी इंटू 100 करूंगा तो ये परसेंटेज जो है वो मुझे 70% मिलना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर 70% कहा गया है। तो आप देखोगे इसे जोड़ोगे तो ये 70% के ही बराबर होगा। ठीक है तो आप ऐसे भी इसको कर पाते तो आप ऑप्शन से भी कर पाते और बाकी मैंने आपको मेथड बताई दिया कि किस तरीके से। अगला क्वेश्चन है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार 40% वोट मिले और दूसरे को क्या मिला कि दूसरे से वो 298 वोट से हार गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे पूरे टोटल वोट पूछे गए हैं। देखिए किसी भी चुनाव में जो है वो 100% हम वोट मान के चलते हैं कि वो इसमें 100% वोट डाले गए हैं। अब इसमें से उम्मीदवार ए को जो है वो कितना 40% मिल रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा 60% मिला होगा। भाई एक को 40% मिला है तो दूसरे को 60% ही तो मिलेगा तभी तो टोटल 100 होगा। अब इसमें बोला गया है कि जो 298 है ये जो है वो 298 वोट से हार गया है यानी आपने देखा कि ये 40% है और इसको मैं क्या करूंगा 40 + 20% करूंगा। तो अब देखोगे 40 40 तो ये बराबर होगा लेकिन जीता कितने वोटों से ये 20% वोटों से जीत गया यानी जो बी है वो 20% वोटों से जो जीता है उसकी वैल्यू दरअसल जो है वो 298 के बराबर थी। हमें निकालना क्या है टोटल वोट निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% = 298/20 × 100। ठीक है तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा ये 5 बार जाएगा तो यहाँ से 2 × 2 = 2 4 8 2 9 = 18 और 1 0 यानी 1490 जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो ये जो रहेंगे वो हमारे टोटल वोट रहेंगे टोटल वोटों की संख्या जो रहेगी वो 1490 रहेगी। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 30 किताबों की लागत मूल्य सॉरी 36 किताबों की लागत मूल्य जो है वो 30 किताबों की लागत विक्रय मूल्य के बराबर दी हुई है तो हमें पूछा गया है कि इसमें प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी 36 की जो सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो 30 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस हम आसानी से निकाल सकते हैं यानी 30/36 हो जाएगा ये। ठीक है 30/36 तो यहाँ से हम इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 6×9 = 36 यानी जो कॉस्ट प्राइस वो 5 है और सेलिंग प्राइस हमने देखा कि 6 है तो कितने का एक का जो है वो हमें लाभ मिल रहा है। एक का मिल रहा है लाभ किस पर सीपी पर हम जो है वो प्रॉफिट निकालते हैं यानी सीपी हमें दी हुई है 5 × 100
तो यहाँ से आप देखोगे 20% का जो है ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो गया, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति है 396 प्रति मशीन की दर से दो मशीनें बेचता है वो, पहली मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी मशीन पर उसे 10% का हानि हो जाती है, तो उसे पूरा लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई ये हमें बताना है कि क्या हुआ। देखिए दो वस्तुएं हैं, मैंने मान ली कि एक को जो है वो, दोनों को ही दरअसल जो है वो ये 396 में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है दरअसल, ठीक है, ये सेलिंग एसपी एसपी, ठीक है। अब देखिए, अब इसने ये वाली जो ए वस्तु है 396 की बोली है, तो इस पर जो है वो उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से। सीपी आप निकालोगे 396 इंटू 100 अपॉन 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसी तरीके से हम सीपी निकालेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि पहली वाली वस्तु की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 0 से 0 ये हो जाएगी 36, यानी 360। तो हमें पता पड़ गया कि जो पहली वस्तु की सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 360। इसी तरीके से हम दूसरी निकालेंगे, अब दूसरी पर क्या हुआ है, हानि हुई है 10% की, तो दूसरी यानी बी की जो कॉस्ट प्राइस होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी 396 इंटू 100 अपॉन 90, 10% की हानि हुई है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 440। तो हमारी पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस 360 आई और दूसरी वस्तु की आई 440। अब देखो आप दोनों की जो है ए प्लस बी की अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें दोनों को जोड़ के, तो ये कितना हो रहा है 0 0, और ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब भाई दोनों प्राइजों की 800 हो रही है, अब आप देखो सेलिंग प्राइस दोनों की कितनी हो रही है, अगर मैं ए प्लस बी की दोनों की सेलिंग प्राइस देखूं टोटल, तो ये कितनी हो रही है 0 6 दूनी 12, और ये 18 19, और ये हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी 6 7, ठीक है, 792 हो रही है। अब आप देखिए कि भाई सीपी जो थी वो 800 रुपये थी, हमने बेची कितने में, 792 में, तो हमें घाटा कितने का हुआ, घाटा हुआ है 8 का घाटा हुआ है, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 800 है, इंटू 100 करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कितने का हमें लॉस हुआ है, 1% का जो है वो लॉस हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1% का हमने देखा कि लॉस हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया मेथड आपको, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन, देखिए समान प्राइस पर अगर आपको वस्तुएं बेची जाएं और लाभ हानि आपको दिया हुआ हो, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, मैं अभी इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, सीधा सीधा आपको क्या करना है, देखिए 10% यहाँ पर दिया हुआ, तो ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस आप थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपका लॉस हो रहा है तो माइनस साइन लेना है, और प्रॉफिट हो रहा है तो हमें प्लस साइन लेना है। अब जैसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो प्लस हो जाएगा, और -10% का हानि हो रही है तो ये -10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस है तो माइनस ही आएगा, क्योंकि 10% का प्रॉफिट और 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे माइनस का 1% आएगा। अब माइनस का जो 1% आ रहा है, तो माइनस साइन हमें दरअसल जो है ये लॉस को दर्शा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। तो ये तो ट्रिक थी, ठीक है, ये ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, और ये हमारा जो है वो एक मेथड होता है, तरीका होता है, जिस तरीका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 1600 रुपये की धन राशि 2 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज हमें यहाँ पर दिया हुआ है 252, तो ब्याज की दर पूछी गई है कितना होगा। सबसे पहले तो हमें जो टाइम दिया हुआ है यहाँ पर उसको हम सही कर लेते हैं, क्योंकि ईयर में हमें जो है वो यहाँ पर कहा गया है, तो 2 वर्ष और 3 महीने को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 सही 1/4, यानी 8/9/4, ठीक है, 9/4 हो गया हमारा टाइम, आ गया 9/4। अब हम आसानी से निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100 होता है, रेट हमें निकालनी है, तो यहाँ से हमें 252 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 1600 हमें हमारा प्रिंसिपल है, टाइम हमारा कितना है 9/4, तो इसे मैं नीचे ले लेता हूँ इंटू 100, और यहाँ से रेट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 00 से ये 00 कट जाएगा, 4 से ये गया, 4 चौक 16, ठीक है, और यहाँ से हम 4 से इसे काट देते हैं, 4 छंग 24, और ये हो जाएगा 4 3 12, फिर 9 से मैं और काट दूंगा, 9 7 63। तो आपने देखा कि आर की वैल्यू जो है हमारी 7% जो है वो आई है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 2,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो है वो 2,420 रुपये होगी, यानी हमारा जो अमाउंट दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 2,420 रुपये, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर 2,000 रुपये, रेट हमें दी हुई है यहाँ पर 10%, और हमें पूछा गया है कि टाइम कितना होगा। याद रखना है ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पर देखोगे आप चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो आपको पता हो तो अमाउंट इजिकल होता है पी इंटू 1 + R/100 की पावर एन, ठीक है, एन यहाँ पर टाइम है, आर रेट है, पी प्रिंसिपल है, और अमाउंट है। अमाउंट देखा हमने कि कितना हो रहा है, 2,420 हो रहा है, बराबर प्रिंसिपल हमें पता है कि 2,000 दिया हुआ है, और 1 + R हमें 10% दी हुई है, और एन हमें निकाल दिया। तो यहाँ से इसे काट दूंगा मैं, यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा, 200 को मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 2 से ये भी कट रहा है, 1 2 1 हो रहा है, यानी 121/100 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 10 इधर जाएगा, यानी 11/10 ये आ जाएगा। अब आप देखिए 11/10 आ रहा है पावर एन है, तो इसको भी हमें ऐसी बनाना पड़ेगा जो कि 11/10 के जो है वो ये फॉर्म में हो। तो आपने देखा कि ये वाली जो है वो 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं इसको 11/10 का स्क्वायर कर दूंगा, बराबर कर दूंगा 11/10 के एन के बराबर। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गई, तो इसको भी हम बराबर कर देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी हमारा जो टाइम निकला वो 2 वर्ष निकला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन इसका आंसर। ओके अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी का अनुपात हमें दिया हुआ है 4:5, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है हमें 2:3, तो ए का मान हमें 800 दिया हुआ है, तो सी का मान हमें निकालना कितना होगा। देखिए ए अनुपात बी बराबर 4:5, और बी अनुपात सी बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 2:3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बी कॉमन दिया हुआ है इनकी वैल्यू समान करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा, 5 का यहाँ पर करूँगा, तो मुझे 5 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 5 का यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ए अनुपात बी जो रहेगा वो 20/10 हो जाएगा, और बी अनुपात सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10/15। तो आप देखोगे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी 20, 10 और 15, ठीक है आ गया। अब हमें यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 800 दी हुई है, अब यहाँ पर तो 20 है, तो ए की वैल्यू 20 जो दी हुई है वो 800 के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से आप देखोगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 40 हो जाएगी, एक की वैल्यू हमारी 40 है, निकाल ली हमें किसकी है, सी की, सी हमें पता है कि 15 है, तो एक की वैल्यू 40 है, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/15, यानी 15 × 60, यानी 600, ठीक है। तो 600 आ रही है, जबकि यहाँ पर तो ऑप्शन में ही नहीं है, एक बार और चेक करेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है। अच्छा यहाँ पर हमारी गड़बड़ हो गई है, ये 2 करना था ना कि 5 करना था, तो ये हमारा 8 होगा ना कि, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 100, 100 हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 100 हो गई। तो आप देखोगे इसको मैं क्या करूँगा, ये हमारी 1,500 के बराबर हो जाएगी, तो यानी इसकी आंसर आ जाएगा हमारा 1,500, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई थी। ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में, और बात की जाए तो ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ए प्लस बी बराबर 10 दिन में, बी प्लस सी बराबर 12 दिन में, और ए प्लस सी बराबर जो है वो 15 दिन में करता है। तो अब देखो कि टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये 60 हो रहा है, तो ए और बी की एफिशिएंसी हमारी 6 आ जाएगी, और बी और सी की एफिशिएंसी हमारी 5 आ जाएगी, और ए और सी की एफिशिएंसी 4 आ जाएगी। अब देखिए ये वाली जो एफिशिएंसी है अगर मैं तीनों की जोड़ता हूँ तो ये 2A+B+C ये डबल हो रही है, यानी आप देखोगे ये कितना हो रहा है यहाँ पर 15, यानी A+B+C की अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 7.5 जो है आएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमने देखा कि 7.5 आ रही है, हमें निकालना किसका है, ए का निकालना है। तो अगर मैं इसकी देखिए बी प्लस सी की एफिशिएंसी को अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मुझे ए की एफिशिएंसी मिल जाएगी,
टोटल वर्क हमें पता ही है कि इतना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मैं इसको घटाता हूँ तो ए की एफिशिएंसी मुझे 7.5 माइनस 5 करूँगा तो ये 2.5 है। हमने देखा कि ए की एफिशिएंसी 2.5 है, तो अब हम आसानी से जो है वो ए द्वारा कार्य कितने दिन में कर लेगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल वर्क हमारा पता है कि 60 है, 2.5 यानी देखोगे 25 × 100 यहाँ से हो जाएगा 24 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो ये थे आज के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और जो भी शादी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।